नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यह बेलारूस 800 ट्रैक्टर है, 2008 मैन्युफैक्चरिंग, 2008 मॉडल। आज इस वीडियो के अंदर जितना मेरे को पता है वो आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। जैसा कि हम बात करें, ये पूरा 81 HP का, जो कि सबसे पहले हम इसकी प्लेट की बात करें, ये आप इसका देख सकते हो, पूरा ट्रैक्टर का चार्ट है ये अपना। ये मिस्क ट्रैक्टर वर्क बेलारूस 800, और जो इंजन मॉडल है वो D243 और 57.8 किलोवाट का 2200 इंजन रेटेड RPM के साथ में है ये ट्रैक्टर। इंजन नंबर वगैरह, चेसी नंबर सारे, दिसंबर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 2008 की मैन्युफैक्चरिंग के साथ में ट्रैक्टर है। इंपोर्टेड बाय अमोकोडोर इंडिया JV प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंपोर्ट किया गया है इंडिया के अंदर ट्रैक्टर। अगर हम इसके जैसे डायरेक्ट पंप की बात करें, डी हाई प्रेशर पंप के साथ में ट्रैक्टर आता है, इन 4 सिलेंडर ट्रैक्टर इसका। और जैसे कि 56 जो इंजन है 57.8 किलोवाट के साथ में है, और एयर कंप्रेसर भी है इसके अंदर। आप इसके से आप हवा भर सकते हो, या फिर जैसे पीछे ट्रॉली वगैरह उसमें एयर ब्रेक हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो, एयर वाले हॉर्न को भी यूज कर सकते हो। ये अपना इधर डीजल फिल्टर दे दिया, इधर अपना सेल्फ स्टार्टर। और जैसे कि हम इसके फ्रंट टायर की बात करें, 9.00R20 टायर के साथ में ट्रैक्टर आता है, मेड इन बेलारूस के साथ में। साथ के टायर हो गया अपना, जो फ्रंट एक्सल इसका एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल के साथ में है, और आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आगे पीछे जहाँ चाहते हो वहाँ एडजस्ट कर सकते हो। ये सिंगल सिलेंडर हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है इसके अंदर पावर स्टेयरिंग के लिए। इधर अगर हम बात करें, ये तो अपना पावर स्टेयरिंग पंप है, आप यहाँ से अपना यूज कर सकते हो पावर स्टेयरिंग पंप। इधर अपना डीजल ऑयल फिल्टर, ये इंजन ऑयल फिल्टर और ये डीजल ऑयल फिल्टर, ये साथ में साइलेंसर, जो कि ये चेंज किया इन्होंने साइलेंसर बाद में, दूसरे है ओरिजिनल बेलारूस ट्रैक्टर का ही पर दूसरा लगा हुआ है ये। इतना ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में आता है ट्रैक्टर। इधर अपना आप आगे लोडर वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ऑयल इमरिस्ट ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है। अगर फ्लैट प्लेटफॉर्म है, पूरा फुली प्लेटफॉर्म के साथ में ट्रैक्टर है, और सेंटर से लिए गियर के साथ में, गियर जो है इसके 10+2 के साथ में है, ये 12 गियर में है, जैसे कि 5 फॉरवर्ड 10 फॉरवर्ड के लिए और 2 रिवर्स के लिए। इधर अपना PTO लीवर, जो इसके 540 चक्कर और 800 चक्कर और शायद 2 PTO लीवर दिए गए इसके, एक ये है और ये स्लो करने के लिए है, अगर आपको कम चक्कर करने हैं तो आप वहाँ से कम चक्कर कर सकते हो। इधर ही अपना हैंड ब्रेक, और ये इधर अपना पूरा फ्लैट दिया गया है। इसके नीचे डीजल टैंक है और हाइड्रोलिक जैसा अपना लिफ्ट सिलेंडर है वो लगा हुआ है। जो सीट है इसकी काफ़ी फ्लेक्सिबल रिलैक्सेबल सीट के साथ में है ये, एकदम डिफरेंट साथ के डिफरेंट टाइप में आप सीट एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे। ये लीवर दिया अपना, आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो सीट को। इधर ये जो लीवर दिए लिफ्ट के लिए दिया ये लीवर, और ये अपना लोडर जैसे लेफ्ट और राइट दोनों के लिए अपना लोडर अगर आप यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि ये यहाँ पे वॉल दी गई इसकी। और जो स्टेयरिंग है आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, इसको आप ऊपर नीचे उठा के, एक बार स्टेयरिंग ऊपर नीचे करिए इसका, आप स्टेयरिंग को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। काफ़ी कम्फर्ट दिया है ट्रैक्टर, जैसे कि आप स्टेयरिंग को चाहो जहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, नीचे करिए जैसा चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो पूरा ये इसके। और जो बैक टायर है इसका, ये अपना बैक टायर है 15.5R38 के साथ टायर आता है, 38-2A लिखा हुआ है ये अपना, ऑलमोस्ट रेडियल टायर है ये। और ये अपना बैक लाइट टूल बॉक्स भी दिया साथ में मुडगार्ड के ऊपर। जो इधर अपना ये बैटरी बॉक्स दिया है, इधर बैटरी बॉक्स है और ये बैटरी स्टैंड है, बैटरी बॉक्स के लिए स्टैंड, जो अगर आप ओपन करोगे तो स्टैंड पे रुक जाएगा। इधर अपना केबिन के साथ में आता है ट्रैक्टर, जो कि पूरा आप देख सकते हो। जो हाइड्रोलिक है इसका 3200-3500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी। ये अपना इधर हाइड्रोलिक लीवर दिया है, सिलेंडर है हाइड्रोलिक सिलेंडर, जो कि अंदर की साइड में दिया है। और ये अपना डीजल टैंक है इसका पीछे, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है डीजल टैंक को। इधर अपना टॉप लिंक के साथ में ये अपना स्ट्रो बार वगैरह, और जो लिंकेज हैं आप यहाँ से आप इसको छोटी बड़ी कर सकते हो, ये यहाँ पे ज्वाइंट दिया है जैसा था वो, वैसे अपने इंप्लीमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। इधर ये अपना दोनों स्टेबलाइजर नीचे गिरे हुए हैं इसके, जो कि इन्होंने ये यहाँ से आप अटैच करोगे स्टेबलाइजर को, इस तरीके से आप स्टेबलाइजर को एडजस्ट करके आप। और ये अपना बैक एक्सल पूरा इसका, ये बैक एक्सल है अपना, और ये अपना PTO सापट, PTO यहाँ से अटैच कर सकते हो। इधर अपना डीजल वगैरह बंद करने के लिए भी दिया इन्होंने ऑप्शन, और ये पीछे भी दिया इसके साथ में। ये कुछ बेलारूस ट्रैक्टर की अपनी इंस्ट्रक्शन है, सीरियल नंबर, इंजन नंबर वगैरह कुछ दिया है। वेट दिया इसका 3250 kg वेट भी है। और इधर अपना ये आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हो,
आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। और साथ में जो ये दिया है, ये ट्रैक्टर के ऊपर जो येलो बत्ती लगती है, कैबिन के साथ में ये ट्रैक्टर है जो बत्ती लगती है, वो उसके लिए यहाँ से आप कनेक्शन दे सकते हो अपना को। जैसे ऑरेंज बत्ती जो होती है, येलो सॉरी ऑरेंज टाइप में जो बत्ती लगती है अपने व्हीकल के ऊपर, ये है भाई बेलारूस ट्रैक्टर। इधर ही अपना हैंड वाली रेस दी गई है, ये हाथ वाली रेस, और साथ में डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर आता है, ये डबल क्लच के साथ में है। इधर ही अपना सीट एडजस्ट, सीट रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे शो कर दिया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा है। आप आराम से एक बार स्टार्ट करोगे भाई, अमित स्टार्ट करिए एक बार ट्रैक्टर में। बेलारूस 800 ट्रैक्टर है भाई, ये फ्रंट लुक आप देख सकते हो इधर इसकी ट्रैक्टर। अभी आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ ट्रैक्टर की, बैटरी लो तो ना है ये स्टार्टिंग पोजीशन ट्रैक्टर की, ये आप इंजन की आवाज़ सुन सकते हो। और जो इसमें हाइड्रोलिक टैंक वगैरह, जो हाइड्रोलिक टैंक ऑयल टैंक के लिए और पंप इसी के अंदर दिया गया है यहाँ पे, तो बिल्कुल स्लो रेस में आप देख सकते हो ट्रैक्टर को। बेलारूस 800 ट्रैक्टर भैया, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।